So hit me. So hit me. So hit me. Hello everyone. This is a short vlog style video that I have made from one of my recent and first trek experiences. This trek was known as BrahmTal Lake Trek, which is in Uttarakhand. So we were a group of 72 people who went on this trek. It was organized by one of the campus groups of IIT Roorkee, which is known as HEC. So it is a group of basically travel enthusiasts who organize trips and treks throughout the year. So the journey was a bit tedious since we had to travel in a bus for approximately 20 hours and हमें एक विलेज पहुंचना था जिसका नाम था लोहाजंग जहां से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करनी थी but due to the delays we reached there late at night so we had to stay in a guest house and of course we were greeted by dogs at the guest house which were as furry as you'd imagine any mountain dog to be. We had our breakfast, we clicked some pictures, and then we left to start the trekking. And this is how our journey was like. So, I did plan on making a vlog on this trip, but at this moment, I was a bit too shy to talk to the camera. Also, the trip was going pretty well. For a month of February, it wasn't too cold, and we did not have snow in the initial parts of the trek as well. Hello. And this is how we had to fill water for drinking purposes, and this water was definitely super clean. Also, the tents and khane ka saman khachar pe ja raha tha, and baaki saman jo tha sleeping bag, hamara khud ka personal saman, wo sab hume khud ko carry karna tha pure time. Yahan se chadhaiye sari. देखो कैसा लग रहा है ट्रैक पे आके छुदा हुआ फील हो रहा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्यों आया आखिरी सांसें भर रहा हूं अपनी ये फील आ रही है मुझे पसीने छूट गए देखो सही ऐसा क्या ऐसा नहीं था ये हमारा इस लौंडे को वापस छोड़ दिया गया ऐसे ग्रुप वालों ने ये लौंडा लेफ्ट फुट फील कर रहा है ये देखिए हिटेंद्र सुन रहा है सुन ये बेचारा आखिरी हम थे हम इसको लेके आ रहे हैं अर्शद शर्मा को लेके क्यों आया था तू भाई मुझे दे दिया और क्यों चला गया भाई गालियां निकाल अब तो पीपी इतेंद्र बीपीपीपी तो रोहित सर आपको कैसा लग रहा है के अल्टीमेट लग रहा है भाई और मैम आपको कैसा लग रहा है के मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने वहां तपस्या की ही क्यों एचसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कम ऑन कम ऑन गाइस कम ऑन गाइस पहला ट्रैक तो है नहीं मगर बहुत परेशान हो गए लोग पता कह नहीं रहे कितना दूर है तो पहले कहां गए हुए पहले चंद्रशिला हेमकुंड साहब वैली ऑफ फ्लावर्स तो इससे इजी था नहीं इसमें स्लिपरी ज्यादा है आपको सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगा ट्रैक हेमकुंड साहब वो तो इतना रहेगा अच्छा दोनों हाथ दोनों पैर से चढ़ना पड़ेगा ऊपर मुकुल क्या आप ग्रुप डांस के फेवर हैं यहां पे आप इंडिविजुअल चीजों के फेवर में करेंगे क्या देख मुकुल कैसा लैप डांस किस कौन देगा आपको फिगर आउट ऑन द यार आप किसको दोगे विल फिगर आउट ऑन द टॉप मैन वो आ गया लौंडा थोड़ा सा नाच के दिखा मुकुल अबे नीचे नहीं जाना भाई मोर बन के खुद ही नाच रहे
यही चाहिए था। मैं पहले बहुत उदास था कि भाई गिर गया, अब तो प्यारे लग रहा है, पर अब ऐसा लग रहा है कि इट वाज ऑल वर्थ इट। चलो मैम, क्या आपको लग रहा है अब कि ये वर्थ इट है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस पहुंच जाऊंगा, लेकिन हटे ही है। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। कहां पहुंचने वाले हैं? हम पहुंचने वाले हैं बेकलताल। तो हम पहुंचने वाले हैं बेकलताल, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर फ्रॉम लोहाजंग। हां लोहाजंग, एंड बट डेस्टिनेशन वाज ब्यूटीफुल यार। हां यार, हां यार। तो हितेंद्र ब्रो सुनो, मुझे सुनने में आया कि तुम किसी लौंडे को पीछे छोड़ गए थे। अभी हम बेकलताल लेक ढूंढ रहे हैं और अपने को रास्ता नहीं पता है, ना मेरे पास फोन है ना मेरे पास कोई गाइड है। हम 7 लौंडे हैं जो कि ढूंढ रहे हैं सबसे अलग ये बेकलताल लेक है, इन पेड़ों के उस तरफ हमें नीचे जाना है। कहाँ से जाना है ये हमें फिगर आउट करना है। थोड़ा उनके साथ साथ रहना, रिस्की है। अरे हेलो रोहित सर, आप ब्रह्मताल जा रहे थे ना सर, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो आपको? जस्ट वेंट लाइक फ्लैश एंड सॉ एंड के आप लोग वहीं रुके हो, एंड इट्स नॉट गुड। ओहो, उधर से, उधर से, किधर से? गाइड में तो क्या कहे, गाइड ब्रह्मताल लेक इतनी बड़ी लेक ही है, ये लेक ज्यादा अच्छी है, बेटर है। हाय गाइस, हम वो लेक पे जा रहे हैं, रास्ता अननोन है, लेक पे चलेंगे अपन, कुछ हमें पता नहीं कि मतलब क्या हो सकता है, कुछ नहीं है, तो हमारा आखिरी मैसेज भी हो सकता है। तो निशानी छोड़ के जा रहे हैं, स्वच्छता रखो, स्वच्छ भारत अभियान रखो, मेरा वोट कांग्रेस को जाना चाहिए। अपन यहां पे गांठ टिका के बैठते हैं, लौंडों के लिए नहीं 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 एकदम खराब आईडिया है, लौंडों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं तो नहीं जा रही हूं, बिल्कुल ये तो फिसलन है, ऐसे खड़े हो जाओ स्केटिंग बोर्ड की तरह फिसलते फिसलते। आजा भाई तू ऊपर आजा, तेरा हो गया तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए प्रार्थना खत्म करती हमने। आप मुंबई नहीं जा सकते हैं सर, आप मुंबई नहीं जा सकते, आप रोडी नहीं बन पाओगे। अब तुम कहो मैं रोडी ही था, मैं 11 साल से रोडी बनना चाहता हूँ, बनी बन पाओगे तुम रोडी? इधर देखो क्या लाश है किसी की? कुछ मिला हमें किसी की जायदाद, ट्रेजरमेंट पे गए भाई लौंडे। क्या मिला इन्हें? पक्का मरा था बहनचो, वो पक्का मरा था, टोपी आखिरी निशानी छोड़ के गया था। लाश लाएंगे उठाते हुए फिर अपन यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। मुकुल मैं रुक जा, मैं आ रहा हूँ। दे घाटे दू तो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं, तुम जाओ फेस कैम, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पहुंचे हैं कुछ तो करके, बिल्कुल शांति है भाई, कोई है ही नहीं। और अच्छा व्यू लेने थोड़ा और आगे जा रहे हैं, क्योंकि 6 पकड़ लो नहीं तो हमारा बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा हमें। सर यहां से फोटो खींचो सर यहां। चल तू चल एक बार आगे चल। ओ भाई रुक जा, रुक रुक रुक, पकड़ो पकड़ो, रुक रुक रुक। ओ भाई क्या यार, रिकॉर्डिंग मैं आगे जा रहा था सीधा लेक में तैरने भाई साहब। फक और ऊपर देखो लेक के बहुत ही ज्यादा पास है और ये व्यू देखो भाई, व्यू सर भाई वहां तक नहीं जाना, आ जाओ अब पैर रख रख के। जमीन है और फोटो खींचो यार यहां। अरे भाई लॉन्डो मचाई है भाई, बाकी लोग वही रह गए, उन्होंने क्या मिस किया उनको ये पता नहीं भाई। तो ये मेरा पहला व्लॉग अटेम्प्ट है और इतनी शानदार एडवेंचर चीज और इतना सुंदर अपन ने किया है, देखा है जो भी, एकदम मजा से किया। लोग फोटो खिंचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे,
फिर उसके बाद ये वो पार्ट है जहाँ से हम आए हैं और हम ये रास्ता ट्रैवल करते हुए हम यहाँ से नीचे उतरे थे। या तो अब हमने फोटोज वोटोज ले लिए बहुत सारी और अब वो लोग जो नहीं आए थे वो लोग हमें बुला रहे हैं। अब अपन को ऊपर चल लेना चाहिए, लोगों की फोटो की तलब तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। अरे भाई तो हमने इधर फोटो खिंचा लिए कि बाकी दो लोग जो नहीं आए थे वो भी काफ़ी गुस्सा है हमसे। तो यही वो जगह है वो लग रहा है कि दोबारा गिरूंगा जहाँ पे लौंडे गिरे थे। ठीक है ये देखिए ना यहाँ पे राइट राइट साइड रखना अच्छा कल लोग जो आप हेलो हाय गाइस। द नेक्स्ट मॉर्निंग अब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टेंट में रुकना फॉर श्योर। दिस वाज आवर टेंट। हमने शूज़ बाहर रख दिए थे तो हम सब लोगों के शूज़ सुबह उठे तो फ्रीज थे और फिर अभी हम वहाँ पे सामने छोटा सा ढाबा टाइप है जहाँ पे चाय और मैगी मिल रही थी और हमने अपने जूते गर्म किए बर्फ़ पिघलाई टेंट रैप कर रहा है ऑलमोस्ट। गाइज हम लोग टेंट पैक करके बस निकल ही रहे थे, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है शायद आपको वीडियो में दिख रहा होगा। बाकी और अभी हमें 6 किलोमीटर नीचे उतरना है वापस क्योंकि हम वहाँ से बस में वापस रुड़की जाएंगे। ब्रह्मताल लेक नहीं जा पाए क्योंकि वेदर अच्छा नहीं था, हमारे गाइड ने हमें रिकमेंड किया कि ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट ये 6 किलोमीटर भी काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट था। टेंट पैकिंग फिनिश कर रहे हैं, मैं थोड़ा जल्दी उतर रहा हूँ, थोड़ी बहुत फ़ोटो खींचूँगा और फिर उसके बाद हम लोग नीचे के लिए निकल जाएंगे। और ये फ़ोटो खिंचाने में लगे हुए हैं हम 9885 फीट पर विद इन 15 मिनट्स ऑफ स्नोफॉल। विजिबिलिटी एकदम ख़त्म हो गई है। काफ़ी बढ़िया ट्रैक था, काफ़ी ही सुंदर व्यू है यहाँ से भी। और अभी बसेस रेडी हैं 1, 2 और 3 और अभी हम निकलने वाले हैं। प्रशांत भाई कैसा रहा फाइनली ट्रैक? ट्रैक बहुत अच्छा रहा, 6 किलोमीटर हम बेकालताल से अभी आए हुए, आधे घंटे में निकलने वाले हैं सभी। तुम तो नहीं थके, तुम्हें तो आदत है? नहीं नहीं सर, अभी 16 घंटे का सफर बाकी है। हेलो थैंक्स मैन, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है तुमने, कूल। तो गाइस बस यही है एंड, अब हम 16 to 18 hours ट्रैवल करेंगे और अपन रूट की पहुँचेंगे। तो काफ़ी बड़े एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, बाय।